लौंग से तो हम सभी लोग परिचित होंगे, हम सभी लोग के घर में खाने में इस्तेमाल करी जाती लौंग, ये उसी का पौधा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने गार्डनिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कम लोगों के पास लगा होता है। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके घर पे ये पौधा लगा होता है। आप सभी लोग अपने सामने ये पौधा देख रहे होंगे, ये हम लोगों का लौंग का पौधा यानी क्लोव का पौधा है। लौंग से तो हम सभी लोग परिचित होंगे, हम सभी लोग के घर में खाने में इस्तेमाल करी जाती लौंग, ये उसी का पौधा है। तो मैं अपनी लोकल नर्सरी में गया हुआ था, वहाँ पर मुझे ये लौंग का पौधा मिल गया, तो मैं अपने लिए ले आया। इस पौधे से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जैसे आप इसका पत्ता इस तरीके से रब करेंगे और स्मेल करेंगे तो आपके हाथ में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल लौंग जैसी खुशबू आती है इस पौधे से। जब इस पौधे में से हवा इस तरीके से निकलती है तो पूरे एटमॉस्फेयर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो मुझे ये पौधा बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेनली इसके खुशबू की वजह से ये पौधा मैं ले आया। तो ये पौधा मैं अपनी लोकल नर्सरी से परचेज करके लेके आया हूँ। काफ़ी बड़ा प्लांट, काफ़ी अच्छा प्लांट मुझे मिल गया, लगभग 2 फुट के आसपास ये प्लांट है, काफ़ी हेल्दी है, नीचे से भी काफ़ी मजबूत है ये प्लांट। ये पौधा मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, लगभग 350-350 रुपये का ये पौधा मिला, लेकिन कोई बात नहीं, जो रेयर प्लांट्स होते हैं लगभग उसकी कॉस्टिंग इतनी आती, अगर आप कोई भी रेयर प्लांट लेंगे तो लगभग इतनी कॉस्टिंग उसकी आती है, 350-350 रुपये तक ये पौधा आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है, आप छोटा प्लांट लेंगे तो 100-150 रुपये के अंदर अंदर आ जाएगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने घर पे लौंग का पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस पौधे से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हम लोग का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है ये पौधा। तो आप लोग अपनी लोकल की ठीक ठाक नर्सरी में पता करिए, वहाँ पर ये पौधा आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। अगर ये पौधा आप लोग को अपनी लोकल नर्सरी में नहीं मिलता तो ये पौधा अमेज़ॉन पे भी आप लोग को मिल जाएगा, मैं उसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको परचेज करना तो आप लोग अमेज़ॉन से भी ये पौधा परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पौधा आप लोग को ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आज मैं अपने इस पौधे को रिपोर्ट करूंगा, इसको गमले में लगाऊंगा। मैं आप लोग साथ इस पौधे को किस सॉइल में लगाना, क्या रेशियो लेना और कैसे लोकेशन पर हम लोग को ये पौधे को रखना, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप हम लोग के चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इस पौधे को लगाने के लिए सॉइल तैयार कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने अलग अलग रेशियो में मिट्टी और कंपोस्ट लिए, इसमें हम लोगों ने 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया और 30% हम लोगों ने इसमें वर्मी कंपोस्ट लिए, ये पूरी तरह डीकंपोस्ट ब्लैक वर्मी कंपोस्ट है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोगों को आपस में बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। आप लोग ये लौंग के पौधे को उसके बीज से ग्रो करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि जो लौंग हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो उसका फ्लावर होता है, उसमें सीड्स बनने से पहले उसको तोड़ लिया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लौंग के सीड्स कहीं से अवेलेबल करा लूँ अपने पास, फिर हम लोग लौंग को बीज से ग्रो करने के ऊपर वीडियो बना के मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये दोनों चीज़ को हम लोगों को आपस में बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने मिट्टी और कंपोस्ट को आपस में मिक्स कर लिया है। तो चलिए आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग अपने इस पौधे को कौन से गमले में लगाएंगे। तो मैं अपने इस लौंग के पौधे को ये मिट्टी के गमले में लगाने जा रहा हूँ। ये हम लोग का 10 इंच का गमला, क्योंकि इसका जो रूट बॉल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको 10 इंच के गमले में लगा रहा हूँ। नीचे हम लोगों ने ड्रेनेज होल पे छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े रख दिए, ये देखिए यहाँ पर ड्रेनेज होल है इस तरीके से, तो स्टोन्स हम लोगों ने कवर कर दिया, और ये कुछ छोटे छोटे स्टोन्स और हैं, इसको हम लोग ऊपर से इस तरीके से रखेंगे ताकि बिल्कुल भी पानी इसमें रुके ना, क्योंकि इसके पौधे में अगर पानी रुकने लगता है तो इसकी जड़ ख़राब होने लगती है, तो इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो बस इस तरीके से हम लोग को स्टोन से बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कर देना है। अब इसमें हम लोग मिट्टी भरेंगे और अपने पौधे को लगा देंगे। पहले थोड़ी सी हम लोग बेस पे मिट्टी इस तरीके से डालेंगे और हल्का से बेड जैसा बना लेंगे, ताकि नीचे टाइट कर लेंगे मिट्टी, ताकि एकदम से पानी नीचे ड्रेन ना हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसमें अपना पौधा लगा के एकदम अच्छे से इसको लगा देंगे। इसमें एडिशनल हम लोगों ने किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं मिलाया, अभी से मिट्टी और कंपोस्ट पे लगा रहे, बाकी बाद में इसमें हम लोग एडिशनल फर्टिलाइज़र देंगे। तो मैं जल्दी से अपने पौधे को लगाता हूँ, फिर आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये देखिए, ये हम लोग के पौधे का काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी रूट बॉल है, काफ़ी अच्छे से इसमें रूट्स ग्रो कर रही हैं, ये देखिए आप लोग को दिखाऊँ, ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें रूट्स ग्रो कर रही हैं। तो बस इस तरीके से हम लोग इसको लगा रहे हैं बिल्कुल, और ये जो छोटे छोटे इसके ऊपर प्लांट्स निकले इसको इस तरीके से उखाड़ के हम लोग को फेंक देना है। तो बिल्कुल स्ट्रेट हम लोगों को गमले में लगाना है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सीधा हम लोग को अपना पौधा ये लगा लेना है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस पौधे को लगा लिया, काफ़ी अच्छे से लगाया, बिल्कुल सीधा पहने पौधा अपना लगा दिया। और ये मिट्टी लगभग ऊपर से मैंने एक इंच खाली रखी है, इसमें जो पानी देने की जगह मैंने छोड़ी है, बिल्कुल अच्छे से टाइट करके हम लोगों ने अपने पौधे को लगा दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को भी अपने पौधे को लगाना है। जैसे जैसे मैंने मिट्टी का रेशियो बताया, उसी तरीके से आप लोग मिट्टी तैयार करिएगा, उसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल नहीं करिएगा। जब पौधा सेटल हो जाएगा, उसमें अच्छी ग्रोथ दिखने लगेगी आप लोग, उसके बाद इसमें किसी भी एडिशनल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए आगे मैं आप लोग को बता दूँ कि हम लोग को ये पौधे को रखना कहाँ पर है। ये पौधे को बहुत ज़्यादा धूप से दिक्कत होती है, अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते तो ये पौधा बर्न होने लगती, इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती। तो हम लोग को इसको ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर बहुत तेज़ इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। अगर 2-3 घंटे की मॉर्निंग की धूप इस पौधे के ऊपर लगती है तो बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो करता है। ये मैं आप लोग को गर्मी के सीजन के लिए बता रहा हूँ कि गर्मियों में हम लोग को अपने इस पौधे को धूप से बचाना होगा, लेकिन विंटर्स में इसको हम लोग पूरी तरह धूप में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप होती नहीं, बहुत तेज़ गर्मी होती नहीं, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, काफ़ी तेज़ ग्रो करता है ऐसे टाइम पर। इस पौधे पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, रेगुलर वाटरिंग करनी, लेकिन जब ऊपर की मिट्टी जैसे सूखने लगे, जैसे मैं आप लोग को दिखाऊँ, ये देखिए अभी हम लोगों ने लगाया, मिट्टी इसकी लगभग सूखी सूखी जैसी है एकदम। तो जब ऐसी मिट्टी आप लोग को ऊपर से दिखने लगे, तब हम लोग को इसको पानी देना है। अगर आप परमानेंट इसको पानी देते जाएंगे तो इसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगे और ये पौधा सूख जाएगा। तो हम लोग को इस पौधे को वाटरिंग तब करनी जब इसके ऊपर की सरफेस बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। तो अगर आप अपने घर पे कुछ रेयर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप लोग इस पौधे को लगा सकते हैं। आप लोग अपनी लोकल नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ अमेज़ॉन का लिंक दिया, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही जगह पे लगभग प्राइस मुझे सेम लगी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस ये रही अपनी लौंग के पौधे की रिपोर्टिंग। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हम लोग के चैनल पर नए, अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस जगह पर स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन, उसको दबा के हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में हम लोग के नए चैनल का भी लिंक आ रहा हो, आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और पहले हम लोगों ने अपने चैनल पर कुछ वीडियोज़ अपलोड की तो उनका लिंक आ रहा होगा, आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय टाटा।